बात तो एक दो पे आ गई है, चौका लग गया, कोई टेंशन नहीं, जो होगा जो नसीब में होगा वही होगा, कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अदर ब्लॉग। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करो सब खैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। अभी उन्होंने कहा कि 3 बजे मैच शुरू हो रहा है, लेकिन मैच को यह तो पता ही नहीं है, मैच को अभी शुरू हो रहा ही नहीं है। और बस वहाँ पर बारिश की वजह से टॉस भी डिले हो गया, तो बस अभी तक टॉस भी नहीं हुआ, तो बस देखते हैं मैच अब कब तक स्टार्ट होते हैं। वहाँ पर हमारे घर अभी टाइल वगैरह शुरू हो गई, धुआं वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा, देखता हूँ अंदर जाके, देखता हूँ कि टाइल से क्या हिसाब है। फिर देखिए यहाँ पर सारा धुआं धुआं हुआ, वहाँ पर इनकी ड्राइंग रूम में सारी जैम थी, तो वो जैम हटा रहे हैं, तो बस यहाँ पर जहमत खुद नहीं है, तो अभी जाता हूँ बाहर निकलता हूँ घर। मैं अभी 2 मिनट के लिए तो कुछ, मेरी आँखें बंद हो रही है, इतना ख़राब पता नहीं मजदूर के साथ लगे। और तो मैं थोड़ी देर घर, क्योंकि मैच का इंतजार करता हूँ, तो कब तक मैच स्टार्ट हो, तो फिर मैच के हालात देख देंगे। मैच इतना तो पाकिस्तान नहीं, इतना मुझे पता है। साले तू 4 hours later तो मैं कैसा चला, कैसा अब बुक था अपने, तो बस अभी वापस आया हूँ, 1 मिनट हुआ है। तो अभी सारे इलाके में धूल हुई हुई है, मदरी लोगों की वजह से, इन्होंने कभी सही काम नहीं किया। और दूसरी बात मैं कह रहा था कि अभी मैच स्टार्ट है, मुझे तो पता नहीं था कि अभी मैच स्टार्ट है, कोई 2 आउट हुए हैं पाकिस्तान के, पता नहीं कितने रन है, लेकिन तब पता है कि 2 आउट हो जाएगा। अभी मैच के लिए बैठता हूँ, देखूँ मैच कैसे ही है। वे बज गए, 1 मिनट में मैं देखने आया हूँ, एक और बंदा भी आउट हो गया, तीसरी विकेट पाकिस्तान की गिर गई। और फिर नमाज का टाइम हो रहा था, बता तो नमाज के लिए इंशाल्लाह, फिर नमाज से लाके मैच के लिए बैठूँ, क्योंकि मैंने मैच नहीं देखा, मज़ा नहीं आ रहा। स्टार्ट जब स्टार्ट से ना देखो तब मज़ा नहीं आता, लेकिन अब बॉलिंग का अपना मज़ा होगा। जोड़ दे, अच्छा ये देखिए ये बूढ़ा हो गया है, इसके सर पे सारे सफ़ेद बाल निकल आए हैं, बस उम्र का तकाजा है ना, तो उम्र गुजरती जा रही है, लड़के जवान होते जा रहे हैं, तो अभी कुछ अर्सा जाके शादी करा रहे, क्योंकि घर में काम शुरू है, तो मेरा नमाज नमाज के लिए इंशाल्लाह नमाज अदा से मिलता। तो मैं नमाज पढ़ के बिल्कुल फारिग हो गया हूँ, और मैं घर की तरफ अहमद अली यहाँ पर मौजूद नहीं है, देखता हूँ मैच के क्या हालात है, क्योंकि मैच एक नज़र डाल के आता हूँ कि मैच के क्या हालात चल रहे हैं, अल्लाह करे आउट ना हो कोई, तो बाकी देखते हैं क्या है सीन है। मैं 2 मिनट के लिए नमाज के लिए गया हूँ, तो ये हारिस भी आउट हो गए, ये क्या बात हो गई, इंशाल्लाह भाई से कहने में तो जीत ही जाएगा। तो ये मैच के हालात थे, क्योंकि मैच के पता नहीं 4 विकेट गिर चुकी हैं। खैर पाकिस्तान बहुत मजबूत टीम, आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। खैर श्रीलंका इंडिया से हार गई, तो पाकिस्तान से भी हार जाएगी। मैं भी दोबारा मैच खेलने बैठ गया, क्या बोला तूने, मैच खेलने बैठ गया और 4 आउट और 34 रन। आगे अल्लाह खैर करे, ये ना कि और आउट क्यों, देखते हैं अब क्या सीन है। पाकिस्तान बड़ा स्लो स्लो खेल, उनको चाहिए थोड़ा तेज हो जाए, फिर बाद में रन के लिए मसला ना हो, बहुत कम टारगेट है। माना यार तो मुझे व्लॉग स्टार्ट करनी चाहिए, मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ तो एक नई विकेट गिरी जाती है। तो पाकिस्तानियों की किस्मत खराब है, दोबारा से बारिश शुरू हो गई। ये पाकिस्तान टीम को बारिश ने बहुत ख़राब किए, बारिश की वजह से मैच रुक जाता है, तो बस के बाद कौन खेल सकता है। और पाकिस्तानी टीम इसी वजह से पाकिस्तान का पैदा फर्क हुआ, लेकिन इसे भी अल्लाह की मसलत है, अगर अल्लाह ने हमारे नसीब में बारिश भी की होगी तो 100 दफ़ा बारिश होगी, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। चाचू और रिजवान पार्टनरशिप कर लेना, तो फिर बहुत मज़ा आएगा। 2 hours later मैच में रोक के आया था, तो यहाँ पर अभी अहमद ने सफाई वगैरह की है, जगह साफ कर दी, यहाँ पर सारी लड़ाई हुई थी, उधर उधर मैच आई थिंक स्टार्ट हो गई है, बच्चों ने छक्के मक्के सुने हैं, चीखे मार रहे, और ये गरीब वो सब मैच देख रहे हो, ये गरीब मेरा दोस्त काम कर रहा है। अभी रिजवान को बड़ा सा गुस्सा आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पर मैच देखने बैठ गया हूँ ना, तो मतलब ओए ये शॉट मारी है। Wide.
साले तू ऊपर आ गए हो, यहाँ पर नीचे सारी हवा में बैठी हुई हो, मैच देख रहे हैं, तो बस दो बंदे बहुत गर्म हुए हुए हैं ना, तब देखें बस चाचा ने तो माशाल्लाह 47 रन कर लिए और अभी 50 बराबर करेगा, इस बॉल पे करेगा। लास्ट बॉल, दो रन रहते हैं 250 के लिए। ए ए ए ये अभी 250 का टारगेट, 253 का टारगेट पाकिस्तान ने दे दी, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है, श्रीलंकन टीम इंशाल्लाह नहीं कर सकेगी। बाकी मैच तो मैं खाली एंड देखूंगा और फुल मैच मैं नहीं देखने वाला, क्योंकि ब्लॉग भी मेरा बहुत लंबा हो गया, लंबा खैर हुआ नहीं इतना खास, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत लंबा है। जाता हूँ ज़रा कुछ खाता वगैरह, क्योंकि मेरा गला फुल बंद है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग हो गई है पाकिस्तान की, मैंने उस टाइम देखा तो एक विकेट भी नहीं थोड़ा, भी एक विकेट गिरी हुई, आई थिंक शहनशाह ने लिया हुई है, वसीम ही लिया, क्योंकि जमान बॉलिंग का ना, जमान तो फिलहाल विकेट नहीं ली हुई, और ये हाल है बस ज़बरदस्त किस्म का लगे हैं माशाल्लाह ना, और जमान ने भी ये और बहुत अच्छा निकाला है, बस पाँच बॉल की और अभी तक एक रन दिए। गुड फील्ड यार, गुड फील्ड, कोई मसला नहीं, चार रन की बजाय 3 भी हो जाए ना तो एक रन कम होता है, इंशाल्लाह ऐसा ऐसा देखता हूँ क्या सीन है। मैं सोच रहा हूँ मैं मैच देख रहा हूँ, लेकिन मैं सब और नहीं देखता, जाता हूँ क्योंकि मैं मैच जैसे बोर हो रहा हूँ, विकेट नहीं गिर रहे हैं तो बंदा ऐसे ही बोर होता है, बजाता हूँ मैं मैच बंद कर दूँ थोड़ी देर के लिए, एंड में देखूँगा क्या सीन होता है। बहुत टाइम बाद में एक लगा ही देखे, आई थिंक 195 रन है, तो बस पाकिस्तान अभी भी कर सकती है, अगर विकेट गिर जाए ना, अगर आखिरी ओवर 8 रन भी रह जाए ना तब भी हो सकता है, अगर जमान को ओवर दे दे, जमान कर लेगा, लेकिन बस ये लोग नहीं रहे, ये लोग हल्के हल्के रन दे रहे, बड़ी शॉट की कोशिश नहीं कर रहे, देखे करे सुकून से खेल रहे, कोई टेंशन नहीं इनको, ये लोग स्टार्ट से टुक टुक करके खेल रहे सुकून से ना, कि जितने बॉल थे उतने रन भी हैं, मैं जब से देख रहा हूँ तो जितने बॉल जितने रन जितने बॉल, एक दो का फ़र्क आता है फिर दोबारा बराबर हो जाते हैं, तो बस अब सबको चल रहा है कि हाथ में विकटें गिर थोड़ी सी ना तो ये लोग ज़रा काबू हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं ये है कि अगर मेंडस को ना आउट कर दे तो ज़रा स्कोर रुक जाएगा, अगला बैट्समैन आने में ज़रा मुश्किल होगी, मतलब अगले बैट्समैन को ज़रा मुश्किल होगी खेलने में, लेकिन अगर इसने सेंचुरी कर ली तो बस फिर तो गए हम लोग। फिलहाल ब्रेक है, देखते हैं अभी लग गए, एक दफा मेंडस आउट हो गया तो बस बहुत बड़ा काम बनेगा। चाचे प्लीज प्लीज
गया। यस 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 यार यस यार, बस जबरदस्त कैच दिए माशाल्लाह। इसको कहते हैं कैच, नहीं ढूंढ में बंदा गया यार, जबरदस्त। मेरे मोबाइल उठा दो, चाचा दोबारा से आए हुए, चाचा से मुझे दोबारा उम्मीद है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये विकेट लेगा इस ओवर में। चाचा बड़ा गुड 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 गुड, खैर 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 खैर। चाचा पूरे इरादे से विकेट लेने आते हैं, इंशाल्लाह ये लेके इस ओवर में, क्योंकि गुस्से में लगा इसको बॉल के पीछे भी भगाया गया तो बंदा बड़ा आउट हो गया। कहते बस छोड़ता नहीं हूँ इनको, एक विकेट ये गिरा देना बस मज़ा आ जाएगा, इंशाल्लाह इस ओवर में गिराएगा। चाचू चाचू से भी फुल हुई था, फुल फुल। ये मेरा मुबारक हुए, मैं मुंह से निकालता हूँ वो बंदा आउट हो जाता है यार। चुप कर बे कुत्ते। चाचू यार लव यू चाचू। मैं तो आके इस मौके पर बहुत सख्त हो गया ना, तो बस अब किस्मत की गेम है और कुछ भी नहीं है। तो इस कंडीशन में मुझे एक शेर आया कि अब फैसला नसीब पे छोड़ें जो हो सो हो, अब तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा, बस अल्लाह खैर करेगा। अच्छा इंशाल्लाह ये बारह बॉल बारह रन भी, मतलब मैच सख्त होगी, अब किस्मत है ना, जो जीते जो हारे बस उन पर भी सख्त होगी, हम पे भी सख्त आओगे, तो बस बाकी अल्लाह जो सब सब कुछ अल्लाह के हाथ में, जो होगा अल्लाह करेगा, बस हमें उनका हर अल्लाह का हर फैसला मंजूर है। मुझे पता लगा कि विकेट गिरी, मैं बाहर चला गया था एकदम से। यार क्या जबरदस्त यार, जबरदस्त यार, जबरदस्त जबरदस्त। मैंने आपको कहना, जो अल्लाह के फैसले कभी गलत नहीं होते, जो फैसला अल्लाह करेगा हमें मंजूर है। मैच सख्त हो गया, हार जीत अल्लाह के हाथ में, बाकी देखा जाएगा। यार ये गोर भी गया, गेम इंशाल्लाह काबू है, हाथ में आ गई है। लास्ट ओवर जमान, अल्लाह का करना, देखे मेरी वाली बात आई है कि मैंने कहा आखिरी आठ रन भी रह जाए जमान आ जाए। फ्लैशबैक, आखिरी ओवर आठ रन भी रह जाए ना तब भी हो सकता है, अगर जमान को ओवर दे दे जमान कर लेगा इंशाल्लाह, जमान निकाल लेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा मेरा तो आप लोगों का जो अल्लाह की जो अल्लाह ने नसीब में लिखा होगा बस वो होगा इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी बॉल कराओ यार, हमसे सबर नहीं हो रहा यार, आउट नहीं है, लेग नहीं लगे, लगी है, लेग लगी लेग लगी लेग लगी, सबर वेट करें वेट करें। नहीं नहीं नॉट आउट है, नॉट आउट है, कन्फर्म नॉट आउट है, नॉट आउट नॉट आउट नॉट आउट। वही चली गई है, लड़कियों के हाल बुरे हैं यहाँ पर, अब चांस है ना, क्योंकि बॉलर है बैटिंग के भी, तो इसकी विकेट का चांस है। आउट आउट आउट, यस 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 यस। बात तो एक दो पे आ गई है, चौका लग गया, कोई टेंशन नहीं, जो होगा जो नसीब में होगा वही होगा, कोई मसला नहीं। बैड लक फॉर पाकिस्तान, श्रीलंका जीत गए तो मेरी तरफ से श्रीलंका की टीम को बहुत मुबारक हो, लेकिन मैच बड़ा टफ गया, बड़ा अच्छा गया है। पाकिस्तान टीम कोई टेंशन नहीं, उन्होंने बड़ा दिमाग लगा के खेले, इतना गंदा दिमाग लगा के खेले, इतनी स्लो शॉट मारी है कि बॉल स्लो स्लो पर, ये कोई फील्डर नहीं था और ले गए, कोई मसला नहीं, जो नसीब में होगा वही होगा, अल्लाह का फैसला नहीं करता। तो इस ब्लॉग को ये शेयर करते हैं, मिलकर अगला पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।